जिन पे अभी हम फ्रूट नहीं ले रहे हैं, उन प्लांट्स की हम समर प्रूनिंग अभी करने वाले हैं। समर प्रूनिंग कब करें, क्या आजकल कर सकते हैं, क्या 40 दिन पहले ही करनी चाहिए या थोड़ा पहले करनी चाहिए थी, कब करनी चाहिए, इसको लेकर के काफी क्वेश्चन लोगों के रहते हैं। ऐसे आपने अगर उस पर कर दिया तो ये जो कार्बोहाइड्रेट बनाने वाले जो पत्ते हैं वो सारा समर प्रूनिंग से नीचे गिर जाएगा। जो ब्रांच निकली है उनको जितना जल्दी आप काटते हो उतना ही अच्छा रहता है। अगर आप हर एक बड को ओपन करने में कामयाब नहीं हुए तो उससे आपको जो है नुकसान झेलना पड़ेगा और वो नुकसान जो है क्रॉप के रूप में आपको मिलेगा। हमारा जो डेमो ब्लॉक है, इस डेमो ब्लॉक के अंदर अपने जो अभी यंग प्लांट्स हैं, जिन पे अभी हम फ्रूट नहीं ले रहे हैं, उन प्लांट्स की हम समर प्रूनिंग अभी करने वाले हैं। देखिए, समर प्रूनिंग को लेकर के काफ़ी सारे लोगों के प्रश्न होते हैं और प्रश्न जो है ऐसे होते हैं कि काफ़ी कंफ्यूजिंग, यानी कि समर प्रूनिंग कब करें, क्या आजकल कर सकते हैं, क्या 40 दिन पहले ही करनी चाहिए या थोड़ा पहले करनी चाहिए थी, कब करनी चाहिए, इसको लेकर के काफ़ी क्वेश्चन लोगों के रहते हैं। मैं कई वीडियोज़ में कह चुका, कई लाइव में कह चुका कि समर प्रूनिंग जो है फ्रूटिंग प्लांट के ऊपर आपको सेब तुड़ान से 40 दिन पहले शुरू करके 10 दिन में क्लोज करना है। उसमें लिमिटेड टाइम है, उसके ऊपर आपको समर प्रूनिंग एक लिमिटेड टाइम के अंदर शुरू करना है और उसी टाइम के अंदर में आपको ख़त्म भी करना होता है, क्योंकि वो फ्रूटिंग प्लांट है। अगर उसमें आप समर प्रूनिंग जल्दी करोगे, आपने मान लो सेब तुड़ान से आपने 70 दिन पहले शुरू कर दिया, 75 दिन पहले शुरू कर दिया, तो उस वक्त जो है पौधे के ऊपर से फॉलिएज निकल जाएगा। ऐसे आपने अगर उस पर कर दिया तो ये जो कार्बोहाइड्रेट बनाने वाले जो पत्ते हैं जिससे कि फ्रूट साइज़ बढ़ना है, वो सारा समर प्रूनिंग से नीचे गिर जाएगा। फ्रूट साइज़ के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा, यानी फ्रूट साइज़ बढ़ेगा नहीं, फ्रूट साइज़ नीचे रह जाएगा। इसलिए जो है जो फलदार पेड़ होता है उसके ऊपर समर प्रूनिंग सोच समझ करके और एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको करना होता है। तो ये तो हो गई बात फ्रूटिंग प्लांट की। लेकिन मैंने कहा कि जो नॉन फ्रूटिंग प्लांट है, जो यंग प्लांट्स हैं, उनके अंदर समर प्रूनिंग आप जो है पूरे साल भर में कभी भी कर सकते हो। जितना जल्दी कर सकते हैं उतना अच्छा है, यानी जो ब्रांच निकली है उनको जितना जल्दी आप काटते हो उतना ही अच्छा रहता है। इन प्लांट्स में हमने पहले भी समर प्रूनिंग करी है और अब जो है हम दोबारा से करने वाले हैं। आप जैसे देखते हैं ब्रांचेस काफ़ी लंबी हो चुकी है सभी की, तो अब जो है ये डिपेंड करेगा कि मुझे कितना कट देना है। किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा दो पौधों के बीच में डिस्टेंस आपने कितना दिया है। वो 1 फीट हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 2, 2.5, 3, 5, 7, 8, 10 फीट, 15 फीट हो सकता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम समर प्रूनिंग, जितना कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा समर प्रूनिंग, ये बात आपको गांठ बांधनी पड़ेगी। दो पौधों के बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा आपको समर प्रूनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि समर्स की जो प्रूनिंग है, आजकल की जो प्रूनिंग है, इस वक्त की प्रूनिंग पौधे को की वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकती है और विंटर की जो प्रूनिंग है वो वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाती है, वो पौधे को विगर करती है और ये पौधे को ड्वार्फ करती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो पौधे को अगर आप कॉम्पैक्ट रखना चाहते हैं, आपके पास कम स्पेस है, जैसे हम यहाँ डेमो ब्लॉक में, हालांकि प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो 4 फीट है, लेकिन हमें इसको 4 फीट में पूरा क्लोज ऐसे नहीं करना है। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा करूँ। क्यों नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अंदर हमारे ऑफिस की विंडो है, वो पीछे जो है शीशा लगा हुआ है, शटर के नीचे वहाँ शीशा है। तो अब अगर मैं इसको पूरा ऐसे कर देता हूँ तो मेरे ऑफिस से जो व्यू बाहर आना है वो व्यू नहीं आएगा। एक तो पहला काम तो ये है कि सामने लगेगा एक ग्रीन वॉल है और पीछे की जो ये वाली रो है ये रो मुझे दिखेगी नहीं और व्यू भी नहीं आएगा और धूप भी नहीं पहुँचेगी, क्योंकि धूप की ज़रूरत सिर्फ पौधों को ही नहीं, धूप की ज़रूरत इंसानों, जानवरों, कीड़े मकोड़ों को भी होती है, तो हमें भी धूप की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ हमको स्पेस चाहिए और जितना ज़्यादा स्पेस यहाँ पे होगा उतना अच्छा व्यू मुझे अंदर ऑफिस में बैठ करके बाहर का दिखेगा। ठीक है जी, तो आपके बगीचे के अंदर आपको वहाँ के डिस्टेंस के हिसाब से आपको प्रूनिंग करनी है। तो अगर आपने वहाँ डिस्टेंस कम दिया है, प्लांट टू प्लांट आपने 2 फीट दिया है, आपने 2.5 फीट दिया है, तो वहाँ आपको जो है आजकल समर प्रूनिंग के दौरान में काफ़ी टाइट प्रूनिंग आपको करनी पड़ेगी। तो ऐसे जो है मैं इसको काफ़ी पीछे से काट रहा हूँ। ठीक है जी, इससे जो है दो चीज़ें हो जाएंगी। कौन क्या क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि एक तो ये होगा कि जो
बर्ड अभी जो है बी में बने हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे इसमें जितने बर्ड्स थे वो सब जो है बी में बन गए। ये आप देखेंगे ये फ्रूटिंग बर्ड है, इस पे नेक्स्ट ईयर फ्रूट आने वाला है। ये फ्रूटिंग बर्ड है, यहाँ नीचे ये वाला फ्रूटिंग बर्ड है, ठीक है। ऐसे जो है हर ब्रांच के ऊपर में और जो मेन लीडर है उसके ऊपर में सारे जो है फ्रूटिंग बर्ड बनने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सब खुले, जितना आपका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम है उतना ही आपको जो है हर एक बर्ड को ओपन करना पड़ेगा, तब जाके आपकी प्रोडक्टिविटी उसमें निकलेगी। अगर आप हर एक बर्ड को ओपन करने में कामयाब नहीं हुए तो उससे आपको जो है नुकसान झेलना पड़ेगा और वो नुकसान जो है क्रॉप के रूप में आपको मिलेगा। तो ऐसे मैं इसको बहुत ही पीछे, बहुत पीछे मैं इसको कर रहा हूँ ऐसे। तो ये हो गया, ये पैक है। मुझे जो है यहाँ से अंदर धूप चाहिए, यहाँ से अंदर धूप चाहिए पहली चीज़। मुझे अंदर से बाहर को ये व्यू चाहिए, मुझे वहाँ से इधर को व्यू चाहिए, तो मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं लेकर के जाऊँगा। तो ये हो गई बात। अब अगर यही मुझे बड़ा बनाना होता, ये डिस्टेंस मेरे पास अगर ज़्यादा होता तो मैं इसको यहाँ नहीं काटता, मैं उसको बढ़ने देता और उसको तब तक मैं उसको बढ़ने देता जब तक कि जितना डिस्टेंस प्लांट टू प्लांट है, जितनी जगह मेरे पास है उस जगह को कवर करने के लिए मैं उसको बढ़ने देता और उसको बढ़ाता भी रहता। अगर मान लीजिए 8 फीट है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, तो मैं उसमें ब्रांच को जो हूँ यहाँ से मैं बढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए पहले साल में 2 फीट की ग्रोथ आई, 2.5 फीट की ग्रोथ आई, उस 2.5 फीट की ग्रोथ को क्योंकि मुझे उसको और बढ़ाना है, मुझे अगले साल उसको क्योंकि 4 फीट तक अगर पहुँचाना है तो मैं उसको 30-40% बैक ला करके फिर दोबारा उसमें जो है ग्रोथ आएगी, तो 2-3 साल में वो जो है पूरी जगह को कवर करेगी। तो ऐसे उसमें जो समर प्रूनिंग है उसमें होती है सेकेंडरी शूट्स के ऊपर में, जो प्राइमरी ब्रांच के ऊपर जो शूट होंगे वो समर प्रूनिंग के दौरान उसमें रिमूव किया जाता है। लेकिन फर्स्ट ईयर के दौरान में आपको जो है ज़्यादा फैदर्स लेने के लिए, क्योंकि पहले साल में हो सकता है आपके पौधे के ऊपर फैदर जो है वो बड़े दूर दूर हो या कम हो, तो उनको जो है उससे जो है सभी बर्ड्स को फैदर में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो है उनको कट शॉर्ट करना चाहिए, कट शॉर्ट किया जाए ताकि बाकी के जो बर्ड्स हैं वो भी ओपन हो, ठीक है जी। इसके लिए जो है फैदर्स बनाने के लिए एक तो ये टेक्निक है आपकी, दूसरी टेक्निक ये है कि आप हर बर्ड में नोचिंग करें, नोचिंग के बाद उसमें जो है आप PGR लगा रहे हो, प्रोमेलिन या मैक्सेल आप लगा रहे हो, 15 ml पर लीटर की डोज बना करके आप उसमें ब्रश के साथ उसको लगा रहे हो, या तो आपको वो करना पड़ेगा नोचिंग के बाद में, या फिर ये वाला आपके पास तरीका उसमें है, ठीक है जी। कॉम्पैक्ट प्लांट जिसमें आप बना रहे हो, छोटा प्लांट आप जिसमें बना रहे हो, डिस्टेंस प्लांट टू प्लांट जिसमें कम है उसमें जो है ये वाला सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, और ख़ास करके जो विग्रस रूट स्टॉक्स के ऊपर हो उसमें। तो ये जो प्लांट है ये सीडलिंग के ऊपर है, तो जो विग्रस रूट स्टॉक्स हैं चाहे MM111 भी है, M793 है या सीडलिंग है, उसके ऊपर यही होगा। अगर यही ड्वार्फ रूट स्टॉक के ऊपर होता तो मुझे इसको शायद यहाँ से काटने की ज़रूरत ना पड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी ड्वार्फ है, उसमें जो है इतना विगरस ग्रोथ ना होती और उसमें मुझे जो है जो बर्ड्स हैं उनको खोलने के लिए PGR का हेल्प लेना पड़ता, ठीक है जी। तो ऐसे हम जो है आगे भी कर लेते हैं, इधर भी तो इस तरह से मकसद एक ही है कि मुझे जो है इसको शॉर्ट करना है, पीछे लेके जाना है, और मुझे इसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं चाहिए। ऊपर से कट मारने से क्या होगा, यहाँ पर भी जो बर्ड्स है ये भी इसमें भी ग्रोथ आना, वेजिटेटिव ग्रोथ आना इसमें भी चालू हो जाएगा, इससे जो है ये फ़ायदा हो जाएगा। और तो और आजकल का जो टाइम है समर्स का, वो जो सेंट्रल लीडर है उसको रोकने के लिए, उसको शॉर्ट करने के लिए भी आजकल का समर्स का टाइम बहुत अच्छा होता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा ये ओल्ड वुड था, मैंने इसको काट करके शॉर्ट कर दिया, ये जो है ये सर्दी का कट है, मैंने और नीचे ले आया इसको, जहाँ पे साइड को एक ब्रांच जा रही थी मैंने वहीं पर इसको काट दिया। तो आजकल जो है जो बड़े प्लांट्स हैं उनमें भी जो है आजकल लीडर को क्लोज करने का, लीडर्स को शॉर्ट करने का, लीडर्स को रोकने का बहुत अच्छा टाइम जो है ये आजकल है, तो उसमें भी आप जो है इसका यूज कर सकते हो।
तो ये जो प्लांट है इस, ये आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा, ये वही है जो आपको मैं कह रहा था, थोड़ा बड़ा प्लांट है ये। तो इसमें आप देखेंगे प्राइमरी ब्रांच के ऊपर जो है कुछ शूट भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो वो जो शूट्स है, जैसे इस ब्रांच के ऊपर यहाँ पे ये शूट है, इसको जो है मैं यहाँ इसको क्लोज़ करूँगा। अगर मुझे इसको बड़ा करना था तो मैं इसको थोड़ा सा आगे से काटता, ठीक है, लेकिन मुझे ये कॉम्पैक्ट अगर चाहिए तो मैं इसको पीछे ही रख रहा हूँ। जो साइड शूट्स हैं उनको भी मैं छोटा कर रहा हूँ। तो इससे मैं इस पौधे की हर एक, जहाँ भी आपको डेडवुड नज़र आ रही है उस डेडवुड को वापस से वेजिटेटिव ग्रोथ करवाने में मुझे जो है इससे हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से हमने जो है सभी प्लांट्स को कॉम्पैक्ट कर दिया है। तो इससे जो है प्लांट हमारा बिल्कुल शॉर्ट छोटा रहेगा। आपके यहाँ पर किस तरह की प्लांटेशन हुई है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना है, आप भी अपने बगीचे में इन चीज़ों को ज़रा एक बार ज़रूर सोचिए। इस तरह की अगर आपको इससे इसी तरह इसकी जो है और डिटेल में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारा ए टू जेड ऑफ प्लांट प्रूनिंग कोर्स, ऑनलाइन कोर्स जो है वो खेतियारी ऐप के ऊपर में है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके आप जो है तुरंत व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कॉल करके भी कि ये कोर्स किस तरह से वर्क करता है, कैसे आप इस कोर्स को ले सकते हो, कितने प्राइस में आपको ये कोर्स मिल रहा है। हज़ारों लोगों ने ये कोर्स लेकर के अपने बगीचे के अंदर की प्रूनिंग ट्रेनिंग सिस्टम को ठीक किया है। आपके लिए हेल्पफुल होगा प्रूनिंग की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।